हेलो सोनू बच्चों, क्या हाल है? हम लोग कैसे? ठीक ठाक हैं बेटा। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे थे अपने एमसीक्यू से क्वेश्चंस, ठीक है ना। हमने पिछले पांच कुछ क्वेश्चंस किए हुए भी हैं और जो है उसी बारे में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। चले जी, देखें। हमने कहा, देखो सामने, हमने कहा मैट्रिक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स। किसका इनवर्स नहीं निकलता? सिंगुलर का इनवर्स नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता भाई? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। द रेशियो ऑफ 45 मिनट्स टू 2 आर, 45 मिनट्स टू 2 आर का रेशियो बताओ क्या है, ठीक है ना। तो हमने कहा 45 और 2 आवर्स, ये दो डिफरेंट यूनिट्स हैं। इनको पहले क्या करो? सेम यूनिट करो। यानी अगर मैं कहूं ये आवर्स की बात हो रही है, तो 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 2 आवर्स में कितने हुए? 1 आवर में 60, 2 आवर में 80। वाह, कितना? 120। तो हमने कहा कि 45 मिनट्स टू 120, इनका रेशियो बताओ। तो ये किस टेबल से कैलकुलेट हो रहे हैं? आप अपने ओरिजिनल कैलकुलेटर में आप क्या करें, आप यहां पे इसको डायरेक्टली भी अगर लिखें कि 45 डिवाइडेड बाय कितना? 120, तो आपका आंसर आ गया 3:8। 3 डिवाइडेड बाय 8 का मतलब क्या हो गया? 3:8। तो इसका मतलब 3:8 जो है वो ऑप्शन कौन सा है? ये वाला ऑप्शन, ठीक। कहते हैं फाइंड एक्स इफ इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। इक्वेशन क्या है? -0.8x इज इक्वल टू -6.4। एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या करें? ये माइनस का 0.8, इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जगह क्या हो जाएगा? डिवाइड। पे तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है ना। अब 6.4 डिवाइड बाय आप कर दो कितना? 0.8। डिवाइड करो, देखो क्या आ जाएगा। हमने कहा 6.4 डिवाइड बाय 0.8, कितना आंसर आया? 8। तो राइट ऑप्शन इज 8। फिर अब हमसे कहते हैं इक्वेशन अब गिवन है, गिवन दैट इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन से क्या करो? ए बी और सी की वैल्यू निकालो, ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये इक्वेशन कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सबको एक साथ जमा कर दो, यानी सबको एक साइड पे कर दो। ये माइनस का 25, यहाँ पर माइनस का 25, वहां जाइए क्या हो जाएगा? प्लस का 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन अगर मैं अरेंज कर दूं तो ये बन जाएगी -y² + 10y और प्लस का 25 = 0। अब इसमें एबीसी क्या होगा? ए क्या होगा? जो वाई स्क्वायर के साथ है वो क्या है? माइनस है, और -1 -1 इन सब में से किस में है? पहले वाले में, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि ये पहला ऑप्शन हो सकता है, क्या करे इक्वेशन को वहां पे सिंपली ले जाए। वहां अगर लेके जाएगा तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये वाई क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या होगा? ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। आपको सिर्फ पहली टर्म को देख के आइडेंटिफाई नहीं करना, सबको देख के आइडेंटिफाई करना है। अब दूसरी वैल्यू क्या? प्लस का 10, और थर्ड वैल्यू क्या? प्लस का 25। तो ये पूरी की पूरी फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रही है? सिंप्लीफाई हो रही है, ठीक है। कहता है द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड हो रहा है। डाउनवर्ड कब होता है? जब ए की वैल्यू क्या हो? माइनस में। इसका मतलब ए इज लेस देन 0, ठीक है ना। अपवर्ड कब होता है? जब ए की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर होती है। तो मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 4 से वो आपसे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है एमसीक्यूज में? वो आपसे स्लोप पूछ सकता है, वो आपसे वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट पूछ सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है ओपन अपवर्ड डाउनवर्ड, वो आपसे इक्वेशन का एबीसी पूछ सकता है, वो सारी चीज पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। जी भाई, 16 MCQ। कहता है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, क्या निकालना है? देखो सामने क्या निकालना है?
एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, वाई को जीरो करते हैं। इसका मतलब वाई यहां से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाई क्या हो गया, खत्म। अब टू एक्स इज इक्वल टू टू बचा, तो टू वन जै टू, टू वन जै टू, क्या बचा, वन, आंसर क्या आ गया, वन। चीजों को थोड़ा क्विक करना सीखना एमसीक्यूज में, डिटेल फॉर्म में मत जाना, साइड में आकर बिल्कुल डिटेल फॉर्म में आंसर निकालने उसका इस तरह से मत जाना, कोशिश करना इसको क्विक करने की। अब फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई, ये दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें से क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो यहां हमने पढ़ा था कि जब भी कभी भी हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन सिर्फ उसका करते हैं जिसके अंदर क्या हो, वेरिएबल हो। वेरिएबल किसमें है, ये एक्स में वेरिएबल है, ये एक्स कंपेयर किससे होगा, इस जीरो से होगा, ठीक है ना। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। पहले एक्स आता है या वाई आता है, एक्स आता है, तो पहली वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब जीरो कॉमा, जीरो कॉमा किसमें है, किसी में नहीं है, सिर्फ किसमें है, पहले वाले। आप यहीं से इसको आंसर को पिक कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से खेलने होते हैं, तो यहाँ पे देखो जीरो पहले वाले में किसी में भी नहीं है, तो उसका मतलब आपका राइट आंसर ही है, फिर भी वेरीफाई कर लो। एक्स की जगह पे अगर जीरो पुट करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वाई कंपेयर किससे हो जाएगा, सिक्स से कंपेयर हो जाएगा, तो उसका मतलब जीरो कॉमा सिक्स। जीरो कॉमा सिक्स या सिक्स कॉमा जीरो, एक ही बात है या अलग बात है, जीरो कॉमा सिक्स या सिक्स कॉमा जीरो, एक ही बात है अलग बात है, अलग बात है, दोनों अलग है। क्योंकि अगर मैंने सिक्स कॉमा जीरो कह दिया तो एक्स सिक्स हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस सिक्स, क्या बताओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। अब एक चीज याद रखना, चाहो तो लिख लो अपने पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, वैल्यू को पलट देते हैं। यानी अगर माइनस सिक्स है तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन माइनस सिक्स हो जाएगा, यानी माइनस वन अपॉन सिक्स हो जाएगा। अगर टू होता तो ये वन अपॉन टू हो जाता, थ्री होता वन अपॉन थ्री हो जाता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, वैल्यू पलट जाती है, वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू पलट जाती है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता, अगर वो बोलता द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस सिक्स, क्या बोलता, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस सिक्स, तो एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर वो बोलता माइनस सिक्स का एडिटिव इनवर्स बताओ, क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। सिक्स का एडिटिव इनवर्स पूछे तो माइनस सिक्स हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वैल्यू क्या हो जाती है, पलट जाती है। ये चीज अपने पास लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि याद नहीं रहती ये बातें। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो वही बात, द स्लोप ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या बताओ, स्लोप बताओ, इस इक्वेशन का क्या बताओ, स्लोप बताओ। अब अगर मुझे इस इक्वेशन का स्लोप निकालना है तो सबसे पहले इक्वेशन को क्या करूं, अरेंज करो, इक्वेशन क्या करूं, अरेंज करो, या तो वाई मान ले जाओ या ये सब मान लेके आ जाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं इन सबको वहां शिफ्ट करता हूं, मैं इन सबको वहां शिफ्ट करता हूं, तो उसका मतलब ये माइनस का फोर एक्स जो है वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का फोर एक्स हो जाएगा। इसका मतलब मैं कहूंगा फोर एक्स, ये फोर वाई है तो प्लस का फोर वाई ऐसे ही रहा, ये प्लस का फाइव है वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का फाइव हो जाएगा, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन से स्लोप निकालने का फॉर्मूला, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई। इसका मतलब फॉर्मूला है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई, ठीक है ना। एक्स का कोफिशियंट कितना है, फोर, इसका मतलब ये हुआ माइनस फॉर्मूले का ऐसे ही रहा,
कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है, फोर है, और कोफिशियंट ऑफ वाई जो है वो कितना है, फोर है। फोर से फोर क्या हो गया, कैंसिल, क्या आंसर आया, माइनस वन। क्या आंसर आ गया, माइनस का वन। ये स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ये स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है, ये लीनियर और क्वाड्रेटिक, ये लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, अब आपसे पूछ रहे टू रूट्स, वन रूट, जीरो रूट, थ्री रूट्स, याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने रूट्स होते हैं, दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने रूट्स होते हैं, दो। क्यों, रूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर मैं रूट कैलकुलेट करूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो मैं कहूंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए, ये फॉर्मूला है। ये प्लस माइनस की वजह से आंसर कितने आते हैं, प्लस माइनस की वजह से आंसर कितने आते हैं, दो आंसर आते हैं, ठीक है। तो यहां पे आंसर हमेशा कितना आएगा, दो आंसर आएगा, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने हो गए, टू रूट्स हो गए। क्लियर, डन, कितने हो गए ये 20 एमसीक्यूज, अब 21 क्या कहता है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का रूट बताओ, इक्वेशन की क्या बताओ, रूट्स बताओ। तो रूट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। रूट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पे कितनी टर्म्स हैं, दो है, तीन है, दो टर्म्स है। इसको एक और तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ये माइनस का नाइन है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का नाइन हो जाएगा। एक्स पे क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रूट ऑन बोथ साइड, इसका मतलब यहां भी रूट अप्लाई किया, यहां भी रूट अप्लाई किया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। याद रखना जब भी रूट अप्लाई होता है तो आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है, जब भी रूट सिंप्लीफाई होता है मैथमेटिकली तो क्या करते हैं, आंसर किसमें लिखते हैं, प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर आया वो क्या आया, प्लस माइनस थ्री। देखो ऑप्शन में प्लस थ्री भी लिखा हुआ है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, दो, तो आंसर कितने होने चाहिए, दो आंसर होने चाहिए। इन सब में दो आंसर किसमें है, सीधे वाले, आप ऐसे भी मार्क कर सकते थे, ये आइडेंटिफाई करके कि दो रूट है तो आंसर कौन सा है, दो होने चाहिए, पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, आखिरी नहीं हो सकता, कौन सा हुआ, थर्ड वाला। 22nd क्या है हमारे पास, यही इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में हम मालूम करना है स्लोप मालूम करना है। अब देखो इसमें मैंने आंसर मार्क नहीं किया हुआ है, अब जरा आप एक काम करो, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसका स्लोप निकालो, हमने कहा कि इस इक्वेशन का स्लोप निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के लिए क्या करें भाई, सबको एक साइड पे ले जाओ, मर्जी है किसी को किस साइड पे ले जाओ, आंसर एक ही आएगा। यानी मैं कहता हूं क्या, ये माइनस का 3x है, वहां जाएगा क्या हो गया, प्लस का 3x हो गया, ठीक है ना। प्लस का 6y अपनी पोजिशन पे ऐसे ही है, ये प्लस का 9 वहां जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हुआ, माइनस कोफिशन ऑफ एक्स कितना है, 3, कोफिशन ऑफ वाई कितना है, 6, तो 3 1 3 3 2 6, तो आंसर कितना आया, -1/2। तो आंसर कौन सा हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर। MCQs number 23, MCQs number 23,
इक्वेशन चेक करो, इक्वेशन में कितनी टर्म्स है, इक्वेशन चेक करो, इक्वेशन में कितनी टर्म्स है। जी भाई, इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स है, देखो भाई इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई, क्या चीज सिंप्लीफाई हो रही है, ये दो टर्म ऐसी है जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है, ये दो टर्म ऐसी है जिसमें वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का वन माजा ये क्या हो जाएगा माइनस का वन, यानी इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1, और 10 माइनस 1 क्या होता है 9, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या ये चीज ऊपर सिंप्लीफाई हुई भी है, बिल्कुल हुई है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा +-3 आएगा। ठीक है, तो काम आपको कभी सिंप्लीफाइड हुआ हुआ मिलेगा या आपको कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। एमसीक्यूज नंबर 24, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 = 15, -1 वहां जाके क्या हो जाएगा +1, तो 15 में 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 16। 16 जो है अगर हम इसका रूट निकालें तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, और 16 का रूट क्या आएगा +-4, इसका मतलब आंसर क्या आ गया +-4 आ गया। लास्ट एमसीक्यू 25th MCQ में कहते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इनमें से जर्नल फॉर्म कौन सी है, चेक करो इनमें से जर्नल फॉर्म कौन सी है स्ट्रेट लाइन की, कौन सी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक है, लास्ट वाली क्या है क्वाड्रेटिक है, ये हो सकती है क्या, नहीं, ये तो माइनस होगी ऑप्शन में से, ऑप्शन में से क्या हो गया माइनस हो गया। तीन टर्म में एक्स वाई जेड आ सकता है क्या, नहीं, इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं ए एक्स और बी वाई, जेड नहीं होता, जेड नहीं होता, इसका मतलब यहां पे क्या है जेड इन्वॉल्व, तो ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई कैंसिल हो गई। पहली इक्वेशन में है तो पहली इक्वेशन में वाई नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में वाई नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई रिजेक्ट हो गई। तो जर्नल फॉर्म स्ट्रेट लाइन की कौन सी हो गई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इक्वल टू सी, तो अगर ये सी आपके पास ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ आ जाए, यानी ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये सही होगा गलत होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन इस तरह आए या फिर इस तरह आए, आंसर एक ही आए, यहां पे नहीं उधर जाएंगे प्लस सी।
चलिए भाई देखें, अब स्टार्ट करें। अभी तक हमने कितने एमसीक्यूज किए थे? अभी तक हमने 25 एमसीक्यूज डिफरेंट किए थे। अब कुछ एमसीक्यूज आपके मॉडल पेपर के। मॉडल पेपर में कितने एमसीक्यूज हैं? वही 25 एमसीक्यूज हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, आपका एमसीक्यू नंबर वन मॉडल पेपर में एमसीक्यू नंबर वन। देखिएगा, इन बाइनरी नंबर सिस्टम 1+1 क्या होगा? एमसीक्यू नंबर वन में कहता है 1+1 यानी क्या होता है? 1+1 क्या होता है? 2। और 2 का बाइनरी क्या होता है? 2 का बाइनरी क्या होता है? 1, 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन सही है, यानी 1, 0 की बेस कितनी है? 2। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ x-1 और x+1। चले भाई अब देखो, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ x+y एंड x-y। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई। तो उसका मतलब ये हुआ, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? तो ये a+b a-b। तो a+b a-b बराबर किसके होता है? a² - b² के, ठीक है ना। a+b a-b बराबर किसके होता है? a² - b² के। a क्या है इसमें? x है। और b क्या है इसमें? 1। तो उसका मतलब ये हुआ कि x² - 1, तो x² - 1 कहां है? ये रहा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा हुआ? सेकेंड ऑप्शन। ये अपने पास ना आंसर सिर्फ लिखते जाओ, इसका ना आंसर अपने पास लिखते जाओ, क्योंकि मॉडल पेपर तो आपके पास है। अगर है आपके पास तो वो अपने सामने रखो, अगर नहीं है तो सिर्फ आप अपने पास इसके आंसर्स को टिक मार्क करते जाओ। ठीक है, थर्ड, द बाइनरी नंबर 1, 0 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर 1, 0 जो है ये किसका बाइनरी है? 2 का बाइनरी है, ठीक है ना। 2 का बाइनरी कैसे है? 2 का बाइनरी कैसे है? 2 का बाइनरी ऐसे है कि अगर आप 2 का एलसीएम निकालो तो 2 1s are 2 एंड 2 0s are 0। इसका मतलब 1, 0 इज द बाइनरी ऑफ 2। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? ये है रूट के बाहर छोटा सा 5 लिखा हुआ है। मैं आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 5√x। क्या लिखा हुआ है? 5√x ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें बोल क्या आ रहा है क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि x³ यानी x का आंसर, ये इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको
किस फॉर्म में लिखेंगे? याद रखना, जब भी किसी भी चीज की क्या होती है, पावर हटती है, पावर क्या है इसकी, पावर क्या है, 5 नहीं है, याद रखना। रूट की पावर, रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और ये वाला 5 जो है वो ऐसे नहीं रहेगा, ये इसका आंसर नहीं है। ये जो 5 है ये इंडेक्स कहलाता है, ये 5 क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है, याद रखना। जैसे ही ये रूट के बाहर कोई भी इंडेक्स हो, ये लिखा हो, तो आप क्या करोगे, इसकी पावर 1/2 करके लिख दोगे, ठीक है ना। यानी इंडेक्स जो है वो कहां आ जाता है, 1/2 करके। यानी अगर ये लिखा होता m रूट x, क्या लिखा होता, m रूट x, m इज द इंडेक्स, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/m हो जाएगी, तो उसका मतलब इंडेक्स जो भी होगा वो 1/2 करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसका मतलब ऑप्शन कौन सा है यहां पे, ये वाला ऑप्शन, एमसीक्यू नंबर 5। ये तो आपका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये तो आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये पूरी वैल्यू मैं वहां पे कॉपी पेस्ट करता हूं, ताकि आपको ये चीज समझ में आए। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, 25 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/3, 2 की पावर स्क्वायर यानी 2। क्या करें, ये जो 25 है, मैं कहता हूं ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो उसका मतलब 5 पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ये पावर 1/2 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रही, पावर 1/2 अपने पोजीशन पे ऐसे ही रही। 8 यहां पे पावर क्या है, 3 है ना, तो उसका मतलब ये 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, यानी 2 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 1/3 जो पावर है ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रही, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। ये स्क्वायर कैंसिल, क्यूब कैंसिल, ये सारी पावर्स आपस में क्या होंगी, कैंसिल हो गई। इट्स मीन 5 2 10 10 4 40, इट्स मीन इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो चेक करते हैं, इसके ऑप्शन में 40 है, ये रहा ऑप्शन में 40, ये रहा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके मैट्रिक का चैप्टर नंबर 2 का सवाल है, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये क्वेश्चन था जो सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना था। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सब, अच्छा जी। अब इसके बाद हमने कहा एमसीक्यू नंबर कौन सा कर रहे हैं, 7। 5% ऑफ 400 का 5% कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, अगर निकालना चाहें इसको तो हम कहेंगे 5% का मतलब क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय कितना है, कितना था, 400, तो इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल, 5 4 20, इट्स मीन इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 20 आया। डन, फाइव परसेंट था नहीं। अब देखो क्या कहता है, 120 इज 30% ऑफ, अब समझना बात, ये टॉपिक जो है वो परसेंटेज का है, ये टॉपिक इसका है परसेंटेज का, कहता है 120 जो है वो 30% है इनमें से किसी अमाउंट का। अब इसके लिए ना
आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहां पे देखना सामने तमाम लोग, परसेंटेज का जो परसेंटेज निकालते हैं कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू परसेंटेज अमाउंट। जैसे कि आपने कहा यहां पे कि 5% 400 का कितना था, 20 था, तो इसका मतलब 20 इज अ 5% ऑफ 400। इससे पहले वाले एमसीक्यूज में 20 इज अ 5% ऑफ 400, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट थी वो क्या थी, सम ऑफ अमाउंट, और जो आपने 20 निकाला था वो 20 क्या था, वो आपका परसेंटेज अमाउंट था। परसेंटेज यहां पे आएगा, यानी एक इस एक्सप्रेशन में तीन चीजें, एक परसेंटेज है, एक सम ऑफ अमाउंट है और एक परसेंटेज अमाउंट है, ठीक है ना। क्या करें इस चीज के लिए, आप देखो आपको क्या क्या चीज मालूम है, आपको मालूम है क्या, ये जो 120 है ये 120 सम ऑफ अमाउंट है या परसेंटेज अमाउंट है, ये आपका परसेंटेज अमाउंट है। कहता है 120 इज 30% ऑफ व्हाट, 120 30% है किसी अमाउंट का, तो ये 120 क्या हो गया, 120 आपका परसेंटेज अमाउंट हुआ, ठीक है ना। तो और परसेंट कितना है आपके पास, 30, तो हम कहेंगे यहां पे ऑप्शंस अपने पास लिख लो, ऑप्शंस लिख लो अपने पास फिर बताना मुझे, तो इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ अमाउंट हमें मालूम करना है, और ये अमाउंट कितनी थी 120, ठीक है ना। ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाइए क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसका मतलब सम ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 30। अगर आप इसको डिवाइड कर दो, कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 4 जा, और यहां पे परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट को 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 100 यहां पे डिवाइड था, वहां जाइए क्या हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, सम ऑफ अमाउंट जो है वो आपका कितना आ गया, 400 आ गया आपके पास। अब चेक करो ऑप्शन के अंदर 400 है, बिल्कुल है, ये रहा 400। तो परसेंटेज में तीन चीजें पूछ सकता है, आपसे परसेंटेज पूछ सकता है, आपसे सम ऑफ अमाउंट पूछ सकता है, आपसे परसेंटेज अमाउंट पूछ सकता है। अगर आपने इसकी अंग्रेजी सही नहीं समझी तो इसका मतलब आप गलती कर जाओगे, ठीक है ना। जैसे कि इन ये दोनों एमसीक्यूज जो हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन यहां पे बोल रहा है 5% ऑफ 400, 5% 400 का 5% कितना है, ये सवाल का ये मकसद था। नीचे वाले में कहते हैं कि 120 इज 30% ऑफ व्हाट, इसका मतलब हुआ कि 120 30% किसी अमाउंट का है, वो अमाउंट बताओ कितना है, वो अमाउंट बताओ कितना है, ठीक है ना। तो यहां पे वो अमाउंट आपने बता दी कितनी है, वो 400, क्लियर। नाउ रेशो, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, ठीक है ना, लिखते हैं वहां पे क्या दिया हुआ, ए बी 2:3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बात करें कितने रेशो हैं, 3 रेशो हैं, ए बी एंड सी, 3 रेशो हैं। आपको रेशो ए बी कितना दिया हुआ था, 2:3, तो ए बी का यहां पे आ गया 3:2 ना, ये आ गया 2 और यहां पे क्या आ गया 3, ये रेशो किसका था, ए बी का। दूसरा क्या दिया हुआ है, ए सी, ए सी कितना दिया हुआ है, 2:4, तो एसी दिया हुआ है 2:4, तो यहां पे क्या आएगा, 2 और सी में क्या आएगा, 4, एसी दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैंसिल हुआ और यहां पे हमारे पास आ गया कितना, कितना था, 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो हमने कहा था कि जहां पे डबल अमाउंट आए वहां पे आप क्या करोगे, एक दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई करो,
ठीक है ना, तो ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हुई, 2 2 से क्या आ गया 4 आ गया। मैंने कहा था जो रिमेनिंग वैल्यूज बच जाए वो क्या करती हैं, डबल वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, यानी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो डबल अमाउंट जो है वो इससे मल्टीप्लाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ आमने सामने मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आमने सामने मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हम कहते हैं लेट सपोज, हम कहते हैं दोबारा से बताऊं, लेट सपोज हम कहते हैं जहां पे डबल वैल्यू आती है वो स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, बार बार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है ना। वीक पार्टनर्स वो हैं जिन्होंने एक एक दफा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, सपोज किया हमने ये, तो उसका मतलब वीक पार्टनर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग पार्टनर पे डिपेंड करते हैं। तो उसका मतलब बी और सी जो है वो दोनों मल्टीप्लाई किससे होंगे, ए से होंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई किससे होंगे, ए से होंगे मल्टीप्लाई। जब ये ए से मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी भी ए से मल्टीप्लाई होगा और सी जो है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई होगा। आमने सामने मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब ये 3 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा। तो उसका मतलब यहां पे क्या लिखे, 3 2 6 आ गया। ये 4 मल्टीप्लाई किससे होगा, आप बताओ किससे, 2 से। क्या ये 4 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं, क्योंकि हमने कहा था बी और सी दोनों मल्टीप्लाई किससे होगा, ए से होगा। तो ये 4 जो है ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इस 2 से होगा। तो 4 2 का क्या आ गया, 8। तो ये तो आपके रेशो बन गए टोटल रेशो, लेकिन सवाल ऐसा नहीं था। सवाल में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, एमसीक्यू में क्या था, कहता है बी एंड सी का रेशो बताओ, सिर्फ और सिर्फ बी एंड सी का रेशो बताओ। तो बी और सी का रेशो कैसे निकालेंगे, आते हैं इस पे। बी और सी का रेशो, बी रेशो सी इज इक्वल टू 6:8, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 3s and 2 4s। इसका मतलब बी और सी का जो रेशो बना वो क्या बना, 3:4 बना आपके पास। अब ऑप्शन पे आते हैं, ये रहा 3:4। ये क्वेश्चन जो था ये कंबाइंड रेशो था और ये 5 नंबर का सवाल आया करता था, ये 5 नंबर का सवाल आया करता था, ठीक है। ये किसमें दिया हुआ है, ये एमसीक्यूज में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एमसीक्यूज के लिए टाइम कम है, आधा घंटा होता है सिर्फ, आधा घंटा आपके पास, 30 मिनट्स है आपके पास, 30 मिनट्स में अगर आप लेट पहुंचे एग्जामिनर का कसूर नहीं है, वो आपसे उतने ही 30 मिनट्स बाद जो पेपर की रिक्वायरमेंट है वो आपसे पेपर ले लेगा, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा जी। मिसाल के तौर पे आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 2 बजे, आपका पेपर है 1.5 आवर्स का, 1.5 घंटे का पेपर है। स्टार्टिंग के आधे घंटे में, स्टार्टिंग का जो आधा घंटा होता है उसमें आपको एमसीक्यूज पेपर दे दिया, उसके कोड डिफरेंट होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारे से कोड्स होते हैं। हर बंदे के पास जो है, जो आमने सामने बैठा हुआ बराबर में बैठा हुआ है, इनका कोड क्या होगा, डिफरेंट होगा, सबका कोड डिफरेंट होगा। क्या होगा, इनका कोड और इनका कोड सेम होगा, ठीक है ना, इन दोनों का कोड डिफरेंट होगा कि साथ बैठे हुए ये, ठीक है। फिर दूसरी बात कि अगर आप लेट पहुंचे तो 2:30 बजे आप पहुंचो ना पहुंचो, एमसीक्यूज वापस वो ले लेगा, एमसीक्यूज पेपर आपके पास आ गए, ठीक है, एमसीक्यूज पेपर उसने ले लिया, आपके पास अब कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपने आधे घंटे में कर लिया ठीक है, नहीं किया खत्म कान, ठीक है ना। इसका एक अच्छा तरीका यह है कि जब आपके पास एमसीक्यू पेपर आए और आप ये देखो कि आपके पास टाइम कम है, आप देखो आपके पास क्या है, टाइम कम है और आप इतने टाइम में नहीं कर सकते इतने एमसीक्यूज, तो आप वो एमसीक्यू के की पॉइंट्स ना, नंबर 1 2 3 4 5 जो जो आपको नहीं आ रहे वो एमसीक्यू लिख लो अपने पास पेंसिल से, किससे, पेंसिल से वो एमसीक्यूज लिख लो अपने पास, पेज पे, कॉपी पे, अपनी कॉपी पे। आप अपनी कॉपी का लास्ट पेज रखना रफ वर्क के लिए, अपनी कॉपी का लास्ट पेज रखना किसके लिए, रफ वर्क के लिए, ठीक है ना। रफ वर्क आपका आखिरी पेज हो गया,
अब सारा काम जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है, रफ वर्क पे हो रहा है। आप जैसे ही देखोगे कि आपके पास टाइम कम है या आपको वो एमसीक्यू नहीं आ रहा, तो उतने टाइम ड्यूरेशन में तो नहीं हो सकता हो कि आपको वो आ नहीं रहा, आप क्या करना, वो रफ वर्क में फोन से एमसीक्यू कॉपी कर लेना फौरन से, फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास जितने एमसीक्यू आपको आते होंगे या आपके पास टाइम कम पड़ रहा होगा, वो आपके पास एमसीक्यूज मौजूद होंगे, क्योंकि एमसीक्यू पे वापस रिटर्न नहीं होता, एमसीक्यू पे वापस रिटर्न नहीं होता। कहानी खत्म आधे घंटे बाद, आपके पास पेपर टू आ गया, नहीं होता। वो क्लास में वो टीचर अगर आपसे वो कर ले तो वो हो जाता है, अदरवाइज बोर्ड का रूल है कि एमसीक्यू रिटर्न नहीं होता। इवन के हमारे जब डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं, वहां पे एमसीक्यू पेपर क्लास में आता है और आगे वो लेके चला जाता है। तो उसका मतलब अब तो एमसीक्यू ना तो जो वहां पे इन्विजिलेटर है उसके पास है और ना ही आपके पास है। अगर वो एमसीक्यू पेपर ले गया तो ना तो वो उसके पास है ना ही आपके पास है, वो है किसके पास, जिसका था उसके पास चला गया वो, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, एमसीक्यू पेपर रिटर्न नहीं होता। आपको मैंने की क्या बताई, मैंने आपको बताया कि जो एमसीक्यू आपको नहीं आता हो या जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा हो, वो उतने टाइम ड्यूरेशन में नहीं कर सकते, वो एमसीक्यू आप रफ वर्क में क्या कर देना, कॉपी कर देना। याद रखना, हम ई मार्कर्स को यानी हम चेकर्स को बोला जाता है कि अगर किसी ने रिमूवर यूज किया है एमसीक्यू में, एक बार मिटा दिया, वो एमसीक्यू गलत कर देना, वो एमसीक्यू गलत कर देना। मिटा के अगर सही लिख दिया है तो भी वो गलत होगा, ऑफिशियली बात कर रहा हूं, ये ऑफिशियली बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कि अगर आपने कट करके भी लिख दिया सही, वो भी गलत हो जाएगा। रिमूवर यूज करना अलाउ नहीं, कट करना अलाउ नहीं है, किसके अंदर, एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू पहले पेंसिल से करना, एमसीक्यू किससे करना, पहले पेंसिल से करना, ताकि आप रबर से उसको मिटा सको। जब आपका ये आधा घंटा कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास पेंसिल से लिखा हुआ सब कुछ है, ठीक है ना, आपका पेंसिल सब कुछ लिखा हुआ है, अब आप उसमें कितना भी चेंज कर लो, वो आप रबर से कर सकते हो, ठीक है ना। कॉपी जरूरी नहीं कि किसी एक ऐसे चेकर के पास जाए कि वो आपको सपोर्ट करे। हमारे पास कॉपी आती है, रिमूवर से का मिटा हुआ होता है, हम उसको फिर भी सही मार्क कर देते हैं, लेकिन ये हम क्या करते हैं, फेवर करते हैं। लेकिन हर टीचर जो है वो फेवर नहीं करता, ठीक है ना। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सीनियर होते हैं, एजेड होते हैं, वो बिल्कुल नहीं करते, ठीक है ना। ये चीज सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपकी कॉपी कहाँ जाने वाली है, ना आपको पता है ना हमें पता है, क्योंकि आपकी कॉपी के फ्रंट पेज पे जो सीरियल नंबर लिखा होता है वो टॉप राइट पे होता है, और वो पेज के बीच में देखना, जब पेपर देने जाओगे ना, तो वो होता है क्या है, इस तरह का पेपर होगा और यहां पे ना डॉटेड होते हैं यहां पे, और सारा कुछ आप यहां फिल करते हो, यहां आपका सीरियल नंबर होता है कॉपी का, यहां पे सीरियल नंबर होता है, यहां पे सीरियल नंबर होता ही नहीं है कॉपी का, कुछ भी नहीं होता। यहां पे सिर्फ क्या लिखा होता है, बच्चा कॉमर्स का है, इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है, यर कौन सा है, वो यर यहां मेंशन होगा, वे सारी चीजें यहां पे होती हैं, आपकी तमाम इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी होती है। जब ये कॉपी हमारे पास आती है चेक होने के लिए, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कट होके आता है। अगर कोई टीचर ये बोल दे ना कि ये कॉपी, इसकी कॉपी मेरे पास है, तो उसका मतलब वो झूठ बोलता है, ठीक है ना। क्योंकि चेकर को नहीं पता कि ये बंडल जो है इसका सीरियल नंबर क्या है, उसको नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि ये रोल नंबर किसका है, ये रोल नंबर किसका है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेकर को ये नहीं पता होता कि वो कॉपी कहाँ की है, किसकी कॉपी है, गर्ल्स की है, बॉयज की है, कुछ नहीं पता होता। हमें सिर्फ बंडल्स मिलते हैं, 25 कॉपीज का बंडल मिलता है चेक होने के लिए, हमसे उसको चेक करते हैं, और यहाँ पे उसके नंबर्स होते हैं दिए हुए, वो यहाँ पे हम उसके नंबर्स लिखते हैं टोटल, ठीक है। तो याद रखना कि एमसीक्यू के हवाले से बता रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू क्लास चल रही है हमारी, तो सारी चीजें एमसीक्यू के बारे में बता रहा हूँ कि आप रिमूवर यूज नहीं करोगे। एक दफा लिखोगे पेन से लिखोगे, पहली दफा लिखोगे, डाउट अगर है तो पेंसिल से लिखोगे। अगर आपको इन्विजिलेटर बोले कि आप पेन यूज करो, तो आप उसको बोलना
कि कहां लिखा है कि मैं पेंसिल यूज नहीं कर सकता, आप गारंटी दे दो मैं इसको मिटा दूं, जाकर इसको सही कर दे। जब मैं इस पे मैं 100% नहीं हो जाऊंगा उस वक्त तक मैं सही नहीं लिखूंगा। आप इन्विजिलेटर से फाइट कर सकते हो उस बात पे। आप सिर्फ उसको इतना बोलोगे ना, लिख के दिखा दो कहां पे लिखा है ऐसा, वो खुद ही पीछे हट जाएगा। अच्छा जी, अब एमसीक्यूज कौन सा कर रहे थे? एमसीक्यूज नंबर 9 क्या था, अब 10 पे आ रहे। कहता है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज 700, सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है 700 है, एंड प्रॉफिट जो है वो कितना है 250 का, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? मुझे एक बार बताओ, कैलकुलेटर की नीड है? कैलकुलेटर की कोई नीड नहीं है इसमें। जस्ट आपने क्या करना है, आपने इसको माइनस करना है और बता देना आंसर कितना है। तो इसमें तो कोई वो नहीं है ना, पेंसिल यूज करो इसके अंदर, इसमें तो पेंसिल यूज करने की नीड नहीं है, तो इसको पेन ही यूज करोगे। जिसमें डाउट हो आप उसमें पेंसिल यूज करना, ठीक है ना, इससे टाइम आपका सेव होगा। अच्छा, ये वाला एमसीक्यू और कौन सा वाला 45 मिनट्स टू आवर्स वाला, दोनों सेम है। सिर्फ इसमें एक बात याद रखो, एक फिट के अंदर कितने इंचेस होते हैं, 12 होते हैं। एक फिट में कितने इंचेस होते हैं, 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना हुआ, 18। 12 को अगर मल्टीप्लाई करते हो किससे, अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूं किससे, 1.5 से, तो देखो आपके पास आंसर क्या आता है, 18 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां पे जो काम कर रहे हो वो क्या है, 18 रेशो 30। तो 18 रेशो 30 क्या होगा, 18 रेशो 30, तो 6 3 18 एंड 6 5 30, तो आंसर क्या आएगा, 3 रेशो 5। तो इसमें से आंसर जो होगा वो 3 रेशो 5, ठीक है। इस जैसा एमसीक्यू हमने उसमें किया हुआ है, पिछले वाले 25 वाले एमसीक्यूज में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 5000। कहते हैं इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000, सुनना भाई समझना इस बात को, कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट 5000 का कितना है, 100। 5000 का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आई की वैल्यू हो गई, ये आई की वैल्यू हो गई, और ये वैल्यू किसकी हो गई, तो अकोमुलेटेड अमाउंट किसको बोलते हैं, आई प्लस पी, वो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो, और जो प्रॉफिट मिला वो, दोनों कंबाइन हो गए कितना हो गया, तो 5100 हो जाएगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं, ये भी आप पेन से डायरेक्ट लिखोगे, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है, इसमें कॉन्सेप्ट है कि अकोमुलेटेड अमाउंट किसको बोलते हो, अकोमुलेटेड अमाउंट उसको बोलते हो जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट दोनों क्या हो जाए, एड अप हो जाए। ये देखो 14th वाले में ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बराबर किसके होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के होता है, ये भी हमने पिछली क्लास में उसमें 25 वाले एमसीक्यूज में पढ़ा था। एमसीक्यू नंबर 20 कौन सा है ये, 15, कहते हैं व्हेन अ सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट इज मेड एट इक्वल इंटरवल, ऐसा अमाउंट जो सेम टाइम ड्यूरेशन पे दिया जाए उसको क्या बोलते हैं, एनबीटी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनबीटी। अगर इसके अंदर लिखा होता इंस्टॉलमेंट, क्या लिखा होता, इंस्टॉलमेंट, तो भी वो आंसर क्या होता, सही होता, वो भी आंसर क्या होता, सही होता, ठीक है ना। तो या एनविटी का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट है, एनविटी का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट है। एमसीक्यू नंबर 16, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस पे स्लोप जो होता है वो जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे स्लोप क्या होता है? जीरो। और वाई एक्सिस पे हो तो ये बताया हुआ है इन्फिनिटी। शाबाश। एक्स एक्सिस पे स्लोप कितना होता है? जीरो। और वाई एक्सिस पे स्लोप कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना। एमसीक्यू नंबर 17 आपसे कहता है, आपसे कहता है द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, यानी आपको इक्वेशन दी हुई है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हो? एक्स को जीरो, यहां पे जीरो आएगा, टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अपने पास सिर्फ आंसर लिखते जाओ, क्योंकि मॉडल पेपर आपके पास है। ठीक है ना। फिर द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला क्या होता है? वर्टेक्स होता है। कोई भी पैराबोला हो, चाहे अपवर्ड हो या चाहे डाउनवर्ड हो, तो ये जो इसका टर्निंग पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड क्या है? ये वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है। ठीक है ना। और जो ये जो दो पॉइंट है, जब ये एक्सिस को कट करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस को कट करते हैं, तो ये दो जो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट क्या कहलाते हैं? आपके रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये रूट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। एमसीक्यू नंबर 19, बहुत कम एमसीक्यू रह गए। देखो देखो, यहां पे लिखा हुआ है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, बीच में क्या है? इक्वेशन क्या होती है? टू इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हमने कहा टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है? टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला होता है बेटा, एक्स अपॉन ऑफ ए प्लस वाई अपॉन ऑफ बी इक्वल टू वन। यहां पे क्या है? प्लस। जबकि वहां पे क्या है? माइनस। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है? थ्री। बी की वैल्यू क्या है? -9। क्योंकि यहां पे फॉर्मूले में प्लस है और यहां पे क्या दिया हुआ है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसके माइनस की वजह से ये होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख के दिखाऊं आपको कि एक्स अपॉन ए कितना है? ये थ्री है, और ये ऐसे ही रहा। वाई अपॉन बी, बी कितना था? -9। तो इसका मतलब इक्वल टू वन। प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब एक्स अपॉन ऑफ थ्री वाई अपॉन ऑफ नाइन, ये इस तरह लिखा हुआ है वहां पे, ये इस तरह लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपको ये फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म। तो ठीक है ना। तो ये माइनस किसकी वजह से आया? इसकी वजह से माइनस आया। तो बी की वैल्यू देखो कितनी है? -9। देखो ऑप्शन के अंदर दोनों ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी है जो आप गलत गलत वाले को भी सही कर रहे हो, यानी ए कितना है? थ्री, और बी कितना है? नाइन। तो भी सही आ रहा है। आप कह रहे हो मेरा ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन के अंदर, लेकिन वो ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? थ्री एंड -9 वाला। क्लियर है? क्लियर है? ट्वेंटी एमसीक्यू। इफ द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल, जब दोनों आपके क्या हो? इक्वल हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रॉज, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, ये सारे कौन से हैं? ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। क्या 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, आंसर मुझे ढूंढ के बताना। ये टास्क दे रहा हूं आपको, कहीं पर भी, गूगली पे या गूगल पे। अगला, द सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर। ठीक है ना। एनपीआर, पी क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 6000। तो यहां पे लिखते हैं हम इसको,
क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला? एनपीआर, ठीक है ना। यहां पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है कितना? 6000, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है? और आपको दिया हुआ है इयर्स कितना है? 3, और परसेंट कितना है? 10। तो इसका मतलब यहां पे आ गया 3 और 10% दिया हुआ है, तो इसका मतलब 0.10, 10 divided by 100, 0.1 आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर बता दो। सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 1800 आ रहा है आंसर। इट्स मीन आंसर जो है वो 1800 है, ठीक है। बस अभी 4 एमसीक्यूज बचे हैं। 22nd एमसीक्यू, पैराबोला ओपन, ये 1 सेकंड का आंसर है, बताओ क्या होगा? अपवर्ड। क्यों अपवर्ड है? क्योंकि ए क्या है? पॉजिटिव है। 23rd, अ मैट्रिक्स हूज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी इससे पहले 25 एमसीक्यूज किए थे, उसके अंदर ये एमसीक्यूज था। सिंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स नहीं, कौन सा मैट्रिक्स? सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। जब आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो आंसर अगर जीरो आता है तो आगे उसका सोल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वन डिवाइड बाय कोई भी अगर जीरो लिखते हो तो आंसर इंफिनिटी आता है, ठीक है ना। तो वो इनवर्स का आई है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। द ऑर्डर पेयर दिस किसमें आएगा? सेकेंड। क्यों? क्या एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव। ये बात भी हमने लिखी हुई है। क्या लिखी हुई हमने वाली बात? कि अगर आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं तो ये एक्स का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, ये एक्स का पॉजिटिव रीजन है, तो इन दोनों जगहों पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और ये एक्स का नेगेटिव रीजन है, तो इन दोनों जगहों पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये वाई का पॉजिटिव है, तो इन दोनों जगहों पे y की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। नीचे y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। इट्स मीन यहां पे ये भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा? ये नेगेटिव। अब जो वो वैल्यू थी, वैल्यू क्या थी? वो वैल्यू थी माइनस, x माइनस में था और y प्लस में। x माइनस y प्लस कहां पे है? x माइनस y प्लस कहां पे है? सेकेंड में, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो है वो आपका क्या था? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो किस में लाइक कर रहा है? ये आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। कॉपी करने आप लोग, लास्ट एमसीक्यू क्या है? द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है। स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, वो क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का। या लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हो? लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हो? लीनियर इक्वेशन आप बोलते हैं किसको? ए एक्स प्लस बी वाई, यानी जिसकी पावर मैक्सिमम कितनी हो? 1 हो। ये लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर क्या होती है? स्क्वायर में होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? कर्व होता है। और ये कहां पढ़ा था हमने? पैराबोला में पढ़ा था, ठीक है भाई। तो ये आपके कितने एमसीक्यूज हो गए? टोटल 50 एमसीक्यूज हुए। 50 एमसीक्यू वो वाले जो आपको मैंने इससे पहले करवाए, और 50 एमसीक्यू कौन से वाले? मॉडल पेपर वाले। 25
कुल मिला के कितने हो गए, 50 हो गए।